जय गौ माता, जय गोपाल। आज गौ माता के लिए लापसी की प्रसादी बन करके तैयार हो गई है और आज हमारे उद्योगपति गौ भक्त सेठ बीरबल जी, स्वर्गीय श्रीमान मालाराम जी साहू चौरा, हाल कर्नाटका हुबली गोवा बेंगलोर बिश्नोई कंपनीज के मालिक और डायरेक्टर है। आज गौ भक्तों के जन्मदिन पर वैसे तो इनके परिवार में, हर परिवार में छोटे से लेकर के बड़े तक जन्मदिन पर प्रतिदिन गौ माता की सेवा करके जन्मदिन मनाते हैं और हर बार जन्मदिन पर गौ सेवा में 5100 रुपये की लापसी की प्रसादी देते हैं। आज हमारे उद्योगपति गौ भक्त बीरबल जी के खुद के जन्मदिन पर पहले भी गौ माता को लापसी खिलाई थी और आज भी गौ माता के लिए लापसी बना रहे, परिवार सहित गौशाला पधारे गौ भक्तों के साथ में। और गौ भक्तों ऐसा एक संस्कारित परिवार है जिनके परिवार में छोटे से लेकर बड़े तक फिजूल खर्चा बंद करके केवल गौ सेवा से जन्मदिन मनाते हैं और समाज सेवा में सबसे आगे रहने वाले गरीबों की सेवा में अपने परिवार की खुशी में हमेशा दूसरों को खुशियां बांटते हैं और दूसरे परिवारों के साथ में या गौ माता के साथ में या ज़रूरतमंदों के साथ में जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे सौभाग्य और संस्कार दे करके हमारे समाज भी गौरवित मानते हैं और एक ये विशाल कार्यक्रम जो इन्होंने पहल किया, ये हर भामाशाहों को ऐसे सोचना चाहिए ताकि गौ सेवा हो जाए, गरीबों की सेवा हो जाए, ज़रूरतमंद की सेवा हो जाए और ऐसे शुभ कार्य पर ऐसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिल जाए। तो आप देख सकते हो हमारे गौ भक्त बीरबल जी के जन्मदिन पर उपस्थित गौ भक्त कालू राम जी, सुखराम जी, मास्टर साहब विक्रम जी, राहुल जी और गौ भक्त अमरा राम जी, बाबूलाल जी, सेठ जी के साथ में सभी परिवार सहित पधारे और गौ सेवा कर जन्मदिन मनाया। बहुत बहुत बधाई गौ माता का आशीर्वाद से, हजारों साल लंबी उम्र हो, हमेशा परिवार और समाज में खुशियों के भंडार भरा रहे, यही गौ माता से प्रार्थना करते हैं। दो शब्द हमारे गौ भक्त उद्योगपति बीरबल जी खुद कहेंगे और बाकी आप गौ सेवा का मैं आज पूरा वीडियो आपको लाइव डाल रहा हूँ, आप जरूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वैसे तो काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पर नियमित रूप से आ रहा हूँ, जब से गौशाला अपने यहाँ पे चालू हुई है, तो पिछले करीब ये दूसरे कोरोना में जब से मैं यहाँ पे आया था तो मेरा लगाव थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हुआ और उस टाइम से मैं नियमित यहाँ पे आता जाता रहता हूँ और तकरीबन एक ही महीने के अंदर हमारे 4-5 बर्थडे आ गए मेरे को लग रहा है। और मैंने ये घोषणा कर रखी है कि मेरे परिवार में जितने भी लोगों के बर्थडे आएगा, जन्मदिन आएगा, तो हम गौशाला के अंदर ही गौ माताओं को लापसी खिला करके ही अपना जन्मदिन मनाएंगे, ये भी मैंने संकल्प लिया है। और आप लोगों की सेवा देख करके मन बहुत प्रफुल्लित होता है कि भाई आप हमेशा निरंतर ऐसी सेवा करते रहते हैं, तो असली सेवा तो आपके कर्म की है, काम की है, और बाकी तो तन मन धन से सभी लोग इस सेवा से जुड़े हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभारी। कालू जी और मास्टर जी और अमरा जी तो हमेशा अपने साथ में ही रहते हैं और आते जाते रहते हैं, इसलिए मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तो सब दो प्रकार को नींबू है। सेठ जी के जन्मदिन पर आप देख सकते हो गौशाला में पूरा भ्रमण किया परिवार सहित हमारे गौ भक्त, और ये ऐसे वृक्षारोपण किया हुआ गौशाला में आप देख सकते हो आप सभी गौ भक्तों के आशीर्वाद से, और बहुत ही सुंदर नज़ारा आप सभी गौ भक्त जो भामाशाहों ने ये वृक्ष दिए थे गौशाला में, तो आप देख सकते हो। ओ ऐसा ही पौधा देखो गौ भक्तों, ऐसे जन्मदिन मनाने का बहुत सौभाग्य गौशाला में, आप सभी अपने परिवार की खुशी में एक बार गौशाला जरूर पधारे। और देख सकते हो सेठ जी के पूरे परिवार आज जन्मदिन पर गौशाला आए, गौ माता को लापसी खिलाई, ये जो आपने दिया हुआ पौधे। देखो जन्मदिन पर ऐसे गौ माता बछड़ों की सेवा करके जन्मदिन मना रहे हैं उद्योगपति हमारे गौ भक्त सेठ बीरबल जी साहू चौरा, आप देख सकते हो परिवार सहित गौशाला। ये देखो छोटे छोटे बछड़े गौ भक्तों के जन्मदिन की खुशी में कैसे इंतज़ार कर रहे हैं, कोई गौ भक्त आएंगे हमें लापसी खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, आप देख सकते हो गौ भक्तों।
ये टोटल छोटे छोटे बछड़े आपके इंतजार में। यह सब वृक्षारोपण गौशाला में। जय गो माता, जय गोपाल।